इतना ज्यादा सोचोगे तो आप क्या सिखाओगे नहीं। बॉडी बिल्डिंग में आप पूरे कपड़े पहन के बॉडी नहीं दिखाओगे, आप छोटे कपड़े पहनते हो, आप मीडियम साइज के पहनते हो, क्योंकि वो तो उस गेम की डिमांड है। छोटे कपड़े किस वजह से पहने गए हैं और क्या एक्चुअली में उसके पीछे है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझाना मुझे बहुत पेरेंट्स तो समझ गए पर सोसाइटी नहीं समझ, उसके लिए मुझे फिर मुशक्कत करनी पड़ी। नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, लड़कियां नहीं कर सकती, ये सोच सोसाइटी दे रही है। अगर पैसे और सपने में तोड़ना पड़े तो पैसे को क्या चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, मुझे मैं एक लाइन में मुझे बताना हो कोई ऐसा हो जिसका सपना मुझे नहीं पड़ा। सोचिए कि आपका जो भी सपना है, टाइटल बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डांसर बनना, कुछ भी बनना, एक ही जिंदगी है, आप उस अपना पूरा करो, क्योंकि जब वो पूरा होता है ना उससे बड़ी खुशी और नहीं होती। नमस्कार, स्टेटमेंट टीवी पे आपका स्वागत है। फतेहाबाद की जन्मी एक बच्ची ने टीवी और फिटनेस की दुनिया में जबरदस्त काम कर ना केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे शहर का गौरव बढ़ाया है। जी हम बात कर रहे हैं आज एमटीवी रोडीज स्टार द श्वेता मेहता के बारे में। श्वेता ने हमारे शहर की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है, उनकी डेयरनेस के युवा दीवाने हैं, संगीत पर उनका फिटनेस डांस भी देखने लायक है, उन्हें ट्रैकिंग का भी पूरा शौक है। यह शख्सियत व फतेहाबाद की शान द श्वेता मेहता आज हमारे बीच है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन किया है, थैंक यू सो मच। यूं तो आपको इलाके के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, आपकी पहचान करवाना मुझे लगता है गुस्ताखी होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को भी आपके बारे में पता चले, तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहां जन्मी और कहां से आपने शुरुआत की। मैं ये आपने एक लाइन ऐड की है कि लोग नहीं जानते, मैं अभी खुद को इतना बड़ा मानती ही नहीं हूं कि सब जाने। आई थिंक अभी सिर्फ सीढ़ी का पहला ही स्टेप पार किया, अभी बहुत आगे जाना है, तो ऐसा भी दिन आएगा कि सच में इंट्रोडक्शन की जरूरत ही ना पड़े। मैं फतेहाबाद से हूँ, मैंने डेफोडिल से पढ़ाई की थी, उसके बाद एक नॉर्मल जीजेयू में मैंने अपना आईटी कंप्लीट किया, और फिर एक नॉर्मल जो फैमिली की इच्छा होती है कि इंजीनियर बन जाए बेटी या डॉक्टर बन जाए, मैं बैंगलोर चली गई थी आईटी जॉब के लिए। वहाँ मैंने बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब किया, एमएनसीज में, मैं प्रॉपर एक टेकी थी, प्रॉपर C++ में डेवलपमेंट किया है मैंने, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री में। उसके बाद मुझे लगा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या, ये सब करने के लिए शायद मैं पैदा नहीं हुई हूँ। और उसके दौरान एक और चीज चल रही थी जो थी मेरे बैक में एक पेन था, बहुत ज्यादा बहुत पेन रहता था अपर बैक में। तब जब डॉक्टर को विजिट किया उन्होंने बोला आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। मुझे बहुत गंदी लगती थी एक्सरसाइज करनी, मतलब ऐसा होता था कि जिस दिन मुझे पुशअप्स करना है हफ्ते में वो एक दिन मैं स्किप कर देती थी कि 5 पुशअप्स करने हैं मुझसे तो नहीं होंगे, और अब ऐसा टाइम है कि मैं 100 करती हूँ एक बार में, बट वो 5 भी मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। तो लेकिन मुझे अपनी हेल्थ के लिए वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट था, मैं जबरदस्ती जैसे तैसे करके कभी स्विमिंग, कभी डांस, कभी फिटनेस, कभी वर्कआउट, कुछ कुछ करके मुझे वो कंटिन्यू करना था। धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा और स्टेज पे जाना मुझे हमेशा से पसंद है। आपको यहाँ के स्कूल वाले बताएंगे, मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता कि ये फिटनेस और स्टेज मिक्स हो जाए। तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि फिटनेस के कॉम्पिटिशन भी होते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड। I was so glad कि there is something which we can do. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर वालों को कैसे मनाया जाए, घर वाले तो सोचते हैं अभी आप इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर बन गए हो, अब आप मैनेजर बन जाओ, शादी कर लो, गाड़ी हो, घर हो,
और ऐसे में मैं बोलूं कि मुझे अपना पूरा करियर ही बदल देना है। मैंने फिर एक चीज स्मार्टली करी जो मैं चाहती हूँ सब लोगों को करनी चाहिए, मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के मैंने फिटनेस स्टार्ट किया, जो कि बहुत मुश्किल था, 10 घंटे जॉब करना, उसके बाद अपना अपनी हेल्थ को अपनी डाइट को टाइम देना और कॉम्पिटिशन करना नेशनल लेवल पे, जो मैंने किया 2015 में, वो बहुत बहुत टफ जर्नी रही थी, लेकिन मैंने की क्योंकि एक चीज छोड़ के आपको दूसरी जगह पे जंप नहीं करना चाहिए, ये एक पहला मैसेज है शायद इस वीडियो का। तो ऐसा ही हुआ, 2015 में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, मैं थर्ड पोजीशन आई, और अब मैं ऐसी भी हूँ कि मुझे थर्ड नहीं चाहिए, मैं स्टेज पे भी खड़े होकर जो विनर थी उसकी ट्रॉफी को देख रही थी कि मुझे तो वो ही चाहिए। फिर वो एक साल और मैंने काफी मेहनत की 2016 में, इस दौरान मैंने जॉब पे भी मैंने अपना माइंड सेट करना शुरू किया कि शायद मुझे आईटी छोड़ना है। जो आईटी मैं एंजॉय जरूर कर रही थी, बट वो चीज नहीं थी जो मुझे पूरी जिंदगी करना, और फिटनेस में इंटरेस्ट बढ़ता गया। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप फिटनेस में पैसा कैसे कमाओगे, घर कैसे चलाओगे, सिर्फ कॉम्पिटिशन जीतने से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं, इतना तो प्राइज मनी होता नहीं कि पूरा साल काट लो आप। बट उस वक्त मैंने अपने सपनों को ज्यादा वेटेज दिया, इतना ज्यादा सोचोगे तो आप स्टेप उठाओगे ही नहीं। मैंने 2016 के लिए फिर से तैयारी करी और चिराग क्लासिक में मैंने वो ट्रॉफी जो मैं 2015 पे नजर रख रही थी वो मुझे मिल गई, तो उससे बहुत चीजें चेंज हुई एटलीस्ट। और इस दौरान मेरी फैमिली ने ऑफकोर्स मुझे सपोर्ट नहीं किया था, वो नहीं, वो अपनी जगह ठीक थे, उन्हें लगा अच्छी वाली पढ़ रही है, पढ़ने मतलब अच्छी वाली पढ़ के जॉब करने गई है, क्यों करियर चेंज करना है जिसका कोई आज आप जिस स्टेज पे हैं, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स सही थे या आप सही हैं? देखिए मुझे नहीं मालूम कौन सही है, बट मेरे पेरेंट्स ने ये आगे रखा था मेरे कि या तो सपने चुन लो या हमें चुन लो, या तो तुम अपना इंस्टाग्राम हुआ करता था मेरा, 2000 फॉलोअर्स थे तब, बोले इसको निकाल दो, और मैंने कैसे कैसे निकाल दो, मैं अभी भी इतना बड़ा शो जीती हूँ, वो तो मैं नहीं निकाल सकती। मम्मी बोले घर मत आओ, एक बार ऐसा भी हुआ था दिल्ली तक, मैं बैंगलोर से दिल्ली फ्लाइट लेकर आ गई, मम्मी ने बोला घर नहीं आना, और मैंने लिटरली दिल्ली से एक दिन रुकी और अगले दिन वापस आ गई और चली गई। पेरेंट्स के अलावा जो आसपास के और आपके फ्रेंड सर्कल था, रिश्तेदार थे, उन लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने फिटनेस को चुना? बहुत कड़वाहट कड़वाहट रही इन बातों में, लेकिन ऐसे रिश्तेदार जिनसे 4-4 साल बात नहीं हुई थी, वो लोग भी मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे कि तुमने अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया है, क्यों करना ये सब, हालांकि मैं नेशनल विनर बन चुकी थी, फिर भी वो लोग कहते थे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उसका कारण भी सबको मालूम होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में आप पूरे कपड़े पहन के बॉडी नहीं दिखाओगे, आप छोटे कपड़े पहनते हो, आप बिकिनी सूट पहनते हो, लेकिन वो तो उस गेम की डिमांड है। इस चीज को समझना कि छोटे कपड़े किस वजह से पहने गए हैं और क्या एक्चुअल में उसके पीछे है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाना मुझे बहुत साल लगे समझाने में, पर जैसे ही जीती पेरेंट्स तो समझ गए पर सोसाइटी नहीं समझी, उसके लिए मुझे फिर मुशक्कत करनी पड़ी। ये फिटनेस को आप एज ए करियर कितना सही मानते हैं? 100% ये आप पे है। बहुत लोग कहते हैं कि फिटनेस, जो भी यंग जनरेशन है उन्हें ये समझना है कि अगर आप जिम जाना पसंद करते हो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कंपटीशन कर सकते हो, और इसका ये मतलब भी नहीं होता कि आप जिम खोल लो। जिम खोलना बिजनेस है, वो एक मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको, कंपटीशन करना एक अलग तरह की डेडिकेशन चाहिए। सिर्फ आप जिम जाते हो और आप कॉम्पिटिशन कर लोगे, उन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। क्या यंगेस्ट इसको फिटनेस को आज एक करियर पे अडॉप्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, सो थर्ड पॉइंट, आप कर सकते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। जैसे कि आईटी फील्ड में बहुत, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, आईटी हो गई, बायो हो गई, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर, आप मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस हिसाब से आपको फिटनेस में क्या करना है वो समझना है। इसलिए मैंने बोला कि जिम जाना फिटनेस नहीं होता है। आप जिम से आगे क्या करना चाहते हो, आप अपनी बॉडी शो करके मॉडल बनना चाहते हो, आप मैनेजमेंट सीख के जिम चलाना चाहते हो, या आप ट्यूटर बनना चाहते हो, आप टीचर भी बन सकते हो, आप कोच भी बन सकते हो, आप दूसरों को ट्रेन कर सकते हो, मतलब फिटनेस में भी उन्हें एक चीज सिलेक्ट करनी होगी, आप मल्टीपल कर सकते हो अगर आप उतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं, इसमें जैसे हर आदमी किसी भी करियर को जाता है तो उसको ध्यान मनी का तो जरूर रहता है, तो इसमें करियर में अगर कोई अडॉप्ट करता है कोई बच्चा तो इसमें कितना पैसा है? मैं ये सवाल, इसका क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं है। आपको लगता है कि जो आईटी करके बाहर निकलते हैं बच्चे 100% लोगों की प्लेसमेंट्स होती है? नहीं होती। कोई 10,000 की जॉब करता है, कोई 40,000 की जॉब करता है, कोई 2-2 लाख की भी जॉब करता है, वो आपके एजुकेशन आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है। ये भी सेम है, अगर आप एक जिम में नॉर्मल ट्रेनर बन जाओगे हो सकता है आपको 8,000 महीने की तनख्वाह मिल जाए, अगर आप और ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं आप पर्सनल ट्रेनिंग करोगे 25,000 से कमा सकते हो, और अगर आपको और भी ज्यादा नॉलेज है आप स्कूल खोल सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो फिटनेस के बारे में, आप कोच तैयार कर सकते हो, आप लाखों कमा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप जिम में हैं
और साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, म्यूजिक के साथ ताल मिला के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पिछले लॉकडाउन का ही कुछ स्टार्ट किया है मैंने, जब सब कुछ बंद पड़ा था कि क्या ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो मुझे डालनी चाहिए। देखिए आजकल इंटरनेट पे सब कुछ है, ऐसी क्या नई चीज आप डालोगे जो लोगों को पसंद नहीं आए। मैं हूँ उस टाइप की कि मुझे हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ नया निकालना है, मुझे नहीं पता क्या हिट हो जाए क्या लोगों को पसंद आ जाए। बहुत बार चीजें फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन जैसे आपने ये चीज पकड़ी ये एक्चुअली हिट हो गई थी। तो जो भी मुझे मीम सॉन्ग्स मीम्स मतलब जितने भी जोक्स बनते हैं म्यूजिक के साथ मुझे पसंद आते हैं, मैं उसके ऊपर एक फिटनेस के वीडियोस बना देती हूँ। तो एंजॉयमेंट, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा हर रोज जिम जाने का मन करता है, मेरा हर रोज क्लीन खाने का मन करता है, लेकिन मुझे तरीके ढूंढने हैं, वो मैंने तरीके ढूंढने हैं कि उसको किस तरह से एंजॉय किया जाए। तो मे बी सेकेंड टिप कैन बी ऑन दिस वीडियो, आपको अपना तरीका खुद ढूंढना है। वो म्यूजिक हो सकता है कुछ लोग मूवीज देखते देखते या मूवीज सुनते सुनते वर्कआउट करते हैं, कुछ लोगों को होता है आज नया टी शर्ट पहना है तो आज वर्कआउट करते हैं क्योंकि लोगों को दिखाई देगा जिम में, वो कोई भी चीज हो सकती है। मुझे म्यूजिक से काफी लगा है। अब जैसे कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से लॉकडाउन है, बच्चे घरों में लॉक होके रह गए हैं, खासकर के गर्ल्स तो बड़ी परेशान है, वो लोग बच्चे जो है किस तरह से फिटनेस घर में बैठे कुछ करें, क्या कर सकते हैं वो, कि वो फिट रहे, वो क्या डाइट प्लान जो अडॉप्ट करें। जी इनको भी इस पर अच्छा सवाल है, इसको मैं दो तीन पार्ट में आंसर करूंगी। एक तो वो लोग जो ये कहा करते थे टाइम नहीं है जिम जाने का, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उन लोगों के पास अब टाइम ही टाइम है, फिर भी वो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मुझसे हो नहीं रहा है, आलस चल रहा है, मतलब जब टाइम नहीं था तो भी प्रॉब्लम थी, टाइम है आपके पास तो भी प्रॉब्लम है। ये बहुत कड़वा आंसर है, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके पास टाइम है और आप नहीं कर रहे हो। दूसरा ये कि घर पे कैसे करें, बहुत से लोगों को जिम जाना पसंद ही नहीं है और अब वो ये कहते हैं कि हम घर पे नहीं कर सकते। मैंने देखे हैं एक्सक्यूजेस, लेट्स कम बैक टू कि आप क्या क्या कर सकते हो। अगेन आपको डांस पसंद है आप डांस कीजिए, फिटनेस बीइंग अ गर्ल आई वांट टू टेल दिस टू एवरीवन, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। आप सिर्फ वॉकिंग और सिर्फ रनिंग से बॉडी नहीं बना सकते, आप हेल्दी रह सकते हो थोड़ा बहुत। आप डांस कीजिए, जुम्बा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आजकल तो बहुत फैंसी वर्कआउट चल रहे हैं, आप चेयर यूज कर सकते हो, टेबल यूज कर सकते हो, पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, ये 2-3 एक्सरसाइजेस तो वैसे ही आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप सीढ़ियों में कर सकते हो। और ये 2-3 एक्सरसाइज के इतने ज्यादा वेरिएशन है कि आपको वेट ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बैंड्स खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं, आपका बजट है, आप डंबल्स खरीद सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि आप कैसे कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 डंबल्स हैं घर पे फिलहाल पिछले 1 महीने से, और उससे हजारों एक्सरसाइजेस की जा सकती है। तो दिस इज हाउ आई एम डूइंग। कार्डियो के लिए डांस करो, जुम्बा करो, कुछ भी कर सकते हैं, आप रनिंग करो, आप स्किपिंग करो, बहुत सारे HIIT वर्कआउट होते हैं। मुझे ना बताने की जरूरत नहीं कि क्या करें, YouTube, गूगल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको फाइंड आउट करना है कि आप कैसे कर सकते हैं। हमने आपको टीवी पे देखा, MTV पे रोडीज प्रोग्राम में आपका हमने डेयरिंग रूप देखा, आप इतनी डेयरिंग कैसे हो गई और टीवी में कैसे पहुंची? बार बार वो सुनाते हैं ना लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं कर सकती। रोडीज में आई एम प्राउड कि ऐसा किसी लड़की ने परफॉर्म ही नहीं किया। सेमीफिनाले में मेरा एक टास्क था जो 25 मिनट में करना था, मैंने 2 मिनट में किया। इतना डिफरेंस, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया था, बट मुझे ये याद है कि तब सब कह रहे थे तुम नहीं कर पाओगे, लड़कियां नहीं कर सकती। ये सोच सोसाइटी देती है, क्यों कहते हो कि तुम लड़कियां नहीं कर सकती, जब लड़की ने हो सकता लड़के से ज्यादा प्रेप किया हो। और मैं रोडीज में पहुंची कैसे, मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया का ये एक सीक्रेट सपना है जो सबका होता है। आप किसी से भी पूछिए कि रोडी में जाना है, मेरा भी वैसा ही था। मेरा स्कूल टाइम से मैं उसे देख रही थी कि वो मुझे करना है, वो होता है ना वो टास्क तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे ऐसे खेलना है वो पॉलिटिक्स तो मैं भी कर सकती हूँ, ये सोच थी। और एक बार में नहीं हुआ, मुझे 4 साल लगे। 2014 में भी मैं बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ी हुई, रिजेक्ट होकर आई हूँ। 2015 में भी रिजेक्ट हो गई, 2016 में भी रिजेक्ट हो गई, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैं अपने सपनों को गिव अप नहीं। जब आपको रिजेक्शन मिलता है तब आपको कैसा फील होता है? आप टूट जाते हो, आप कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मैं IT इंजीनियर थी, बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी अपनी कंपनी की, लेकिन वहां जाके देखा कि रिजेक्ट कर रहे हैं और बहुत रफ बोल रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं। वहां भी कोई किसी तरह की कोई सिफारिश चलती है? नहीं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। जो लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड है वो लोग कहते हैं जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं और घुस नहीं पा रहे अंदर। मुश्किल है, लेकिन आप सोचिए कि उस जगह पे जहाँ ऑडिशन होता है हजारों लोग आते हैं,
और हजारों अपने आप को बेस्ट समझते हैं और हर कोई लड़ने के लिए रेडी, हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी उतनी ही मिली जितनी आपको मिली है। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो अप्लाई कैसे करें? एनडीए नोटिस की पेज फॉलो कीजिए, वही बताएंगे कि ऑडिशंस कब है। ऑडिशंस हर साल चार सिटीज में होता है, आपको जाके लाइनों में खड़े होना पड़ता है, उसका और कोई सिफारिश नहीं, आपको लाइन तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिलेगा, एक दिन पहले लाइन लग जाती है वैसे वहां पर। हमने एमटी रोडीज में एक प्रोग्राम देखा जिसमें आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, पिटफॉल, वो जरा आप बताएं कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आपने कैसे कमबैक किया उसके बाद। ओके, वो एमटी रोडीज में नहीं हुआ था, जीतने के बाद आई वाज अ गेस्ट, एक ट्रैम्पोलिन पार्क है सूरत में, वो इंडिया का सबसे बड़ा पार्क बना है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर सेफ्टी बिल्कुल नहीं थी। तो वहां पे एक टास्क होता है जिसमें आप जंप करते हो, इट्स कॉल्ड टावर जंप, मतलब कि बहुत ऊंचाई से जंप करते हो, पिटफॉल भी बोलते हो, क्योंकि जो पिट होता है, जो गड्ढा बना होता है, उसमें सारे कुशन्स होते हैं। मैंने जंप किया क्योंकि वहां के ट्रेनर्स कर रहे थे उस जगह के ट्रेनर्स, लेकिन जैसे ही मैंने किया वो कुशन्स हट गए और मैं सिर के बल गिरी। हो सकता है अगर उस दिन मैं टांगों के बल भी गिरती वो भी टूट जाती, क्योंकि नीचे कंक्रीट था, सेफ्टी नहीं थी। उसके बाद वो स्टोरी मेरी जिंदगी की रोडी से भी बड़ी स्टोरी बन गई, क्योंकि मेरी स्पाइन टूट गई थी, सर्वाइकल स्पाइन। अब जिस इंसान की स्पाइन टूट जाए वो इंसान क्या ही कर सकता है, तो डॉक्टर्स ने तो मना ही कर दिया था। फिटनेस, मतलब मैं आपको इंटरेस्टिंग से चीज बता दूं क्या हुआ, जिस दिन एक्सीडेंट होना था उससे पिछले दिन मैं पूछी थी कितना टाइम लगेगा, बोले होने दो सर्जरी। नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद वो आए, कहते तीन चार दिन, मैं मन में ना प्लानिंग कर रही हूँ, अच्छा वो मीटिंग कल थी उसको तीन दिन बाद कर लेंगे, वो बोले तीन चार दिन आपको बेड रेस्ट है, मतलब हॉस्पिटल में ऑन मेडिसिन। फिर अगले दिन शाम को आते, मैंने कहा अभी तीन चार दिन के बाद आप छोड़ देंगे, बोले आपको तीन चार दिन के बाद यहाँ से शिफ्ट करके आपके घर जाना होगा, लेकिन आपको बेड रेस्ट करना है तीन महीना। मैंने बोला अच्छा तीन महीना, फिर भी मैं खुश हो रही हूँ इस बात से, कोई बात नहीं, तीन महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो बोले तीन महीने के बाद आप चल फिर सकते हो, मतलब आप समझो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे को तो बस ये कि डॉक्टर फटाफट ग्रीन सिग्नल दे दे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ये बताओ कि मैं फिटनेस में वापस कब जा सकती हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि फिटनेस में जाना इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप छोड़ दो ना फिटनेस। अब वो एक एक बेड रेस्ट जो बंदा हॉस्पिटल में, ये तो नहीं कह सकते कि आप अपने सपने छोड़ दो, वो मुझे ये कह रहे थे आप फिटनेस छोड़ नहीं सकते हो। मैंने लिटरली ऐसे बोला कि सही है या गलत, मैंने डॉक्टर बोला आप अपना ये मेडिकल छोड़ नहीं सकते हो। एंड बोले ये कौन है लड़की को ऐसे बोले, तो उन्होंने इनफैक्ट गूगल किया, उन्हें सब पता चला। नेक्स्ट डे वो आए, कहते कि देखो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया, जो कि आई थिंक हर डॉक्टर को बताना चाहिए, ये पॉसिबल तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर मेहनत करोगे तो शायद तुम ठीक हो जाओ। और अभी भी उस सूरत हॉस्पिटल में उन लोगों ने कुछ पेपर्स लगा रखे कि ये लड़की ने कमबैक किया है। मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो बन चुकी हूँ, जो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे वापस आ पाते हैं। और इस एक डेढ़ साल में मैंने अपना 100%, तो मुझे 5% लगता है, यानी कि मैंने 500% दिया है ठीक होने के लिए। लोग विश्वास ही नहीं करते कि इतना बुरा एक्सीडेंट था, और मुझे इस बात से खुशी होती है कि उन्हें विश्वास नहीं होता, इट मीन्स वो तो सपने में भी ये नहीं कर सकते। नहीं, कभी आपको लगा कि मुझे इंजीनियरिंग कर ली थी और मुझे उस जॉब में जाती तो मैं ज्यादा पैसे कमा लेती, और बजाय फिटनेस के मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए था? नहीं, मेरे को पैसे, अगर पैसे और सपने में तोड़ना पड़े तो पैसे बहुत छोटी चीज है। मैं ये नहीं कहती पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास कुछ खास सेविंग्स नहीं है, मैंने कोई घर नहीं बना रखे, बट मैंने जो बना रखा है ना वो करोड़ों लोगों ने नहीं बना रखा और बना भी नहीं सकता। तो नो डाउट आजकल आप जीवन साथी भी तलाश रही होगी, तो वो क्या फिटनेस से जुड़ा होगा या कोई और किसी जॉब से जुड़ा होगा? ये सवाल इंटरव्यू में होना तो नहीं चाहिए। ओके, ये लोगों को गलत फहमी है कि मुझे बॉडी बिल्डर्स पसंद आएंगे या आते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे सॉर्टेड बनना चाहिए, मुझे मैं एक लाइन में अगर मुझे बताना हो, कोई ऐसा हो जिसका सपना मुझसे भी बड़ा हो। और कुछ आप कहना चाहते हो स्टेटमेंट टीवी के व्यूअर को कुछ खास? ये जीवन साथी का काम अगर स्टेटमेंट कर दे तो मैं कभी फिटनेस में एंड नहीं करती हूँ अपना इंटरव्यू, कभी भी फिटनेस पे कोई नसीहत नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आपका जो भी सपना है, राइटर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डांसर बनना, कुछ भी बनना, एक ही जिंदगी है, आप वो सपना पूरा करो, क्योंकि जब वो पूरा होता है ना उससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिलती। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडियो में पहली बार दाश्वेता मेहता आए हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप स्टीट मिल टीवी के साथ निरंतर बने रहें। और मैं श्वेता जी से कहूंगा कि वो हमारे दर्शकों को स्टीट मिल टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर आग्रह करें।
देखिए अगर इतनी अच्छी अच्छी न्यूज मिल रहे हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मिल रहे हैं, तो कोई क्यों सब्सक्राइब नहीं करेगा? प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, दिस इज अ न्यू यूट्यूब चैनल फ्रॉम स्टेटमेंट। एंड हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए। थैंक यू।